हेलो टू एवरीबॉडी फ्रॉम फूड ऑल टाइम। तो आज हम आपको एक नई रेसिपी बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है फूड ऑल टाइम फ्राइड राइस। इसके लिए आपको बस थोड़े से चावल चाहिए और बचे हुए चावल जो आपके पहले के पड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए और उसके गरम होने दीजिए। जैसे ही आपका तेल गरम हो जाता है उसके अंदर आप तड़का डालेंगे। तड़के में है एक चम्मच चने की दाल, एक चम्मच उड़द की दाल और आधा चम्मच मोटी सरसों। इसका हमने तड़के का मिक्सचर बना के रखा हुआ है, आप भी बना के रख सकते हैं या फिर ताज़ा उसी टाइम पे डाल सकते हैं। जैसे ही आपका तड़का थोड़ा सा लाल होना शुरू हो जाए, माने दालें आपकी हल्की हल्की लाल हो जाए, आप समझ जाइएगा कि आपका तड़का तैयार है। उसमें कड़ी पत्ते का छौंक लगाइए और उसमें फिर आप डाल दीजिए अपना कच्चा प्याज। प्याज को भुने जब तक वो थोड़ा लाल ना हो जाए। जैसे ही आपका प्याज थोड़ा लाल होने लगता है कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसको थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ा सा वो पक जाता है तो फिर आप उसके अंदर हरे मटर और कॉर्न, स्वीट कॉर्न, आप उसको इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए कि उसका पानी सूख जाए। जैसे ही उसका पानी सूखता है और वो रेडी हो जाता है उसके अंदर फिर आप डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और उसके साथ साथ आप अपना शेजवान चिंग्स का शेजवान फ्राइड राइस मसाला डाल सकते हैं। डाल के हमने इसको हिला लिया है, ठीक है। ये हिला के आप इसको अच्छे से जब आपका मिक्स हो जाता है तब आप इसमें रात के बचे हुए चावल डाल सकते हैं। जो भी, जैसे कई बार हम खाना बनाते हैं तो चावल बच जाते हैं, अब उन चावलों का क्या करें, उन चावल का बेहतर इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है। और रात के बचे हुए चावल से जो फ्राइड राइस बनाया जाता है उसके चावल के दाने सारे एकदम अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। इसको अच्छे से मिलाइए और इसमें आप डाल दीजिए चुटकी भर चीनी। चीनी डालने से कुछ मिठास नहीं आएगी पर वो जब शुगर कैरमलाइज करेगी तब उसका अलग ही टेस्ट आएगा। ये हमारी फ्राइड राइस तैयार हो गई है। ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और अगर रात के चावल बचे हुए हो तो आप सुबह इसको टिफिन में भी बना के दे सकते हैं या फिर चाइनीज के साथ बना के, सूप के साथ चाइनीज खाना जब बनाते हैं तो खा सकते हैं। बच्चे को टिफिन चाहिए, बच्चों की छोटी वाली बुक, हर चीज में काम आ सकती है। आशा है आपको हमारी ये रेसिपी खूब पसंद आई है। बताना ना भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू टेल अस हाउ यू लाइक इट। एंड अगर आपको कोई नई चीज बनाने को मन करता है तो हमें बताइए, हम आपके लिए वो रेसिपी लेकर आएंगे। रिमेंबर फूड ऑल टाइम, हमारे को YouTube पे लाइक करना मत भूलिएगा, foodalltime.com।